सो दोस्तों, अभी के टाइम पे कौन अपना चैनल ग्रो नहीं करना चाहता है? चाहे वो आप हो, हम हो, या फिर कोई भी एक क्रिएटर हो जो अपने चैनल अपना क्रिएट किए हैं यूट्यूब में, वो हमेशा ये चाहते हैं कि कैसे भी करके उसका चैनल अच्छा खासा ग्रो कर जाए। बट आपको यूट्यूब में बहुत से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक मिलेंगे, हाउ टू ग्रो योर चैनल, हाउ टू ग्रो योर चैनल यूट्यूब, हाउ टू ग्रो योर चैनल इन 2021, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे, लेकिन कोई भी आपको इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करता है। आज अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपको पता है कि आपके लिए आपका चैनल कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी जो मैं आपको अपने चैनल को ग्रो करने के लिए जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको YouTube में बहुत ही कम जो है ये टॉपिक पे आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे में आपको सिर्फ मिलेगा YouTube में ग्रो करने के लिए ये टिप्स है, YouTube में ग्रो करने के लिए गूगल एड यूज़ कर ली, या फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कम वीडियो बना हुआ है। आपको सबको ये तो बोल देता है यार अपने वीडियो को शेयर मत कीजिए, बट क्यों नहीं करना है, किस लिए नहीं करना है, ये आपको कोई डिटेल में नहीं बताता। इवन यूट्यूब के एल्गोरिदम में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि अपने वीडियो को शेयर मत कीजिए, बट क्यों नहीं करना चाहिए, इसके रीजन क्या है, तो ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। डेफिनेटली मैं बता रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद आपका टोटली जो शेयर करने वाला जो आपका इशू है या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आने वाला है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए। चैनल पे अगर नए आए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं, जब हम लोग कोई भी एक चैनल बनाते हैं उस टाइम क्या करते हैं कि जब एक दो वीडियोज़ रहते हैं हम लोग के चैनल पे, तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते, या फिर बहुत कोई शेयर कर भी लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आप लोग एक नए क्रिएटर रहते हैं तब आपको कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता है, इवन आपके एक दो फ्रेंड जानते हैं। सो आप अपने वीडियोस को क्या करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं कि भाई देखो मैंने अपना ये चैनल बनाया है, आप इसको देखो, बताओ कैसा है। तो वो क्या करता है, कुछ कुछ मीन्स अगर आप अपने 10 फ्रेंड को भेजे, तो 5 फ्रेंड आपका ऐसा रहेगा जो आपके वीडियो को पूरा देखेगा, और 5 फ्रेंड ऐसा रहेगा जो आपके वीडियो का सिर्फ इंट्रो देखेगा, या फिर 1 मिनट तक देखेगा, या फिर 50% भी आपका वीडियो नहीं देखेगा। सो दोस्तों, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है। अगर बात कर ले आपके क्लिक थ्रू इंप्रेशन रेट की और वॉच टाइम की, सो दोस्तों आप लोग हमेशा ये चीज खोजते हैं कि कैसे भी करके मेरा वीडियो रैंक कर जाए। लेकिन ये रैंक कैसे करेगा, इसका मतलब रैंक करने का ये एक एल्गोरिदम जो यूट्यूब का, ये कैसे काम करता है रैंक करने का? सो बेसिकली ये काम करता है आपके ऑडियंस रिडम्पशन पे और क्लिक थ्रू रेट पे। जितना आपका ऑडियंस रिडम्पशन ज़्यादा रहेगा, उतने ही आपके क्लिक थ्रू रेट बढ़ेंगे। ये इस तरह का वीडियो कोई भी आपको ऐसे डिटेल में नहीं बताता है। अब बताइए कि ऐसे मतलब ये कैसे वर्क करेगा? सोचते देखिए, जब भी आपका यूट्यूब का जो कोई भी एक वीडियो डालते हैं, उसका अगर 50% से ऊपर अगर आपका रिडम्पशन रहता है और आपका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा खासा रहता है, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम्स के हिसाब से अगर 50% से ऊपर आपका ऑडियंस रिडम्पशन है, तो इंप्रेशन रेट जो होता है वो और बढ़ जाता है। तो आपको किसी को अपना वीडियो शेयर करने की जरूरत नहीं है, एक एक दिन में आपकी ही वीडियोस को YouTube जो है 10,000-20,000 पब्लिक को इंप्रेशन से ही आपके वीडियोस आ जाएंगे, मतलब वीडियोस पे व्यू आ जाएंगे। बट आप लोग क्या करते हैं, जब भी एक नया वीडियो अपलोड करते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, शेयर मत कीजिए, खुद से तो बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। अब आप बोलोगे कि सर या फिर भैया, अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो हमारे वीडियोस पे व्यू कैसे आएंगे? सो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिसको आप शेयर कर रहे हो वीडियो, उसको बस एक ही बात बताना कि भाई अगर मैं अपना वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको नहीं देखना है आप मत देखो, बिल्कुल भी मत देखो, ये 10 सेकंड 15 सेकंड चला करके मत देखो। अगर देखना है तो अगर 3 मिनट का वीडियो एटलीस्ट आप 2 मिनट देख करके फिर उसको कट करो, या फिर वैसे पब्लिक को आप अपने वीडियोस को शेयर ही मत कीजिए, जो आपके वीडियोस को सिर्फ 1 सेकंड या फिर 10 सेकंड या फिर 1 मिनट तक देखता है। उससे क्या होता है, आपका वीडियो का जो रिडम्पशन है वो घट जाता है और आपके चैनल का ग्रोथ भी घट जाता है। सो दोस्तों, जो क्लिक थ्रू इंप्रेशन रेट रहता है वो हो जाता है आपका डाउन, क्योंकि आपके वीडियोस पे जो रिडम्पशन है, ऑडियंस रिडम्पशन मीन्स आपके वीडियोस को कोई अच्छे से देख ही नहीं रहा, तो YouTube सोचेगी कि ये वीडियो जो है YouTube पे मतलब बेकार है, या फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे तो एक एल्गोरिदम ही चल रहा है, कंप्यूटराइज ये सारा चीज़। YouTube में ऐसा कोई तो पब्लिक बैठा हुआ नहीं कि आपका वीडियो वो देखा, बोला अरे यार ये वीडियो बहुत अच्छा है, आपके वीडियोस में अगर 10 सेकंड भी कोई देख रहे हैं तो फिर बोलते हैं नहीं यार ये वीडियो बहुत अच्छा, चलो इसको हम लोग चलाते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं। ये टोटली वर्क करता है एक एल्गोरिदम के ऊपर। सो दोस्तों, जब तक आपका ऑडियंस रिडम्पशन अच्छे खासे नहीं रहेंगे, इंप्रेशन रेट भी आपका अच्छा खासा नहीं रहेगा। मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था, मुझे ये चीज़ नहीं पता था, जब मेरे भी 50-60 वीडियोस मैंने जब डाल दिया था, उसके बाद मैं भी क्या करता था, अपने वीडियोस को शेयर करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। सो बट वो लोग क्या करते हैं, कोई कोई फ्रेंड तो गिव अवे के इसके चक्कर में वो लोग देख लेते थे, कोई कोई वीडियोस को बहुत ही कम देखते हैं और तुरंत चल के चल जाते थे ग्लैम के लिंक में, या फिर पार्टिसिपेट करके आ जाते थे, और मेरा ऑडियंस रिडम्पशन जो रहता था वो घट जाता था, जिसके कारण वीडियोस
थोड़ा अच्छे खासे वायरल नहीं हो पाते थे या फिर अच्छे खासे रैंक नहीं कर पाते। सो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टिक्स एंड ट्रिक्स जो है ये सब पे ध्यान मत दीजिए। बट आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, अपने वीडियोस को गलती से भी किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, किसी के साथ भी नहीं, खास करके आप तो मत कीजिए। आपका अगर फ्रेंड कर रहा है तो ठीक है, बट आपको शेयर नहीं करना। अगर आपको अभी के टाइम पे यूट्यूब पे ग्रो करना है, और अभी क्या आने वाले भी टाइम पे या फिर पहले भी जो भी ऐसा कोई सक्सेस हुए हैं, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि ऑडियंस रिडम्पशन जितना ही ज़्यादा होगा उतने ही आपके इंप्रेशंस बढ़ेंगे और उतने ही ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे। सो कभी भी वीडियोस को अगर शेयर करना है तो ऐसे पब्लिक को शेयर कीजिए जो आपके वीडियोस को पूरा देखते हैं। ऐसे पब्लिक को बिल्कुल ना शेयर करें जो सिर्फ आपका इंट्रो देख के या फिर 10 सेकंड या 20 सेकंड देख करके आपके वीडियोस को एंड कर दे और फिर आपका ऑडियंस रिडम्पशन हो जाए। बहुत ही गंदा, मीन्स आपका वीडियो बहुत अच्छा है बट कुछ पब्लिक के कारण आपका ऑडियंस रिडम्पशन घट जाता है और वीडियो आपका रैंक नहीं हो पाता। सो दोस्तों ये जो टॉपिक मैंने आप लोग को बताया, यूट्यूब में इस तरह बहुत ही कम ऐसे चैनल्स है जिसमें इस तरह खुल के बताया गया है कि अपने वीडियोस को क्यों नहीं शेयर किया। सो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा मूल मंत्र जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो है अपने वीडियोस को ग्रो करने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। होप सो आपको मैंने ये चीज़ डिटेल में बता दिया, आपको बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। और अगर आप अपने वीडियोस को शेयर करते थे जो न्यू क्रिएटर हैं या फिर थोड़े अच्छे क्रिएटर हैं, अगर शेयर करते थे तो आप प्लीज़ शेयर मत कीजिएगा, और जिसको कीजिएगा उसको बोलिएगा एटलीस्ट 50% से ऊपर देखिए तभी आप मेरे वीडियोस को कट कीजिएगा। सो ये आपके वीडियोस को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दोस्तों यही चीज़ आप लोग को मैं बताने वाला था कि अभी के टाइम पे चैनल को ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका एक ये है। इसको एक बार आप अपने चैनल पे एक बार इस तरह करके देखिए, अगर नहीं अगर अच्छा खासा आपका चैनल रैंक करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा होगा वीडियो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ग्रीन स्क्रीन के गिवअवे में अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। Realme X7 के गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और YouTube माइक के गिवअवे में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि YouTube से अब मैं कुछ अलग सा टॉपिक लेकर के मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। जैसे कि बहुत जन मुझे कमेंट कर रहे थे कि हाउ टू ग्रो योर डेथ चैनल, सो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।